ऑलराइट दोस्तों, वक्त होता है आपको बताने का कि अगले महीने में मई के महीने में कितने कौन से फोन्स आने वाले हैं अलग अलग प्राइस रेंज में। जी हाँ, दिस इज द अपकमिंग स्मार्टफोन्स फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। अब दोस्तों अगर मैं पिछले दो महीने देखूं, मार्च एंड अप्रैल, तो बहुत सारे फोन लॉन्चेस हुए थे। मई इन कंपैरिजन टू दैट इतने नहीं होने वाले। जून जुलाई इज गोइंग टू बी हॉट, गर्मी का सीजन है, लेकिन फोन्स में इतनी गर्मी नहीं होने वाली है। लेकिन कुछ कुछ तीन चार तो ऐसे फोन्स हैं जो सीरियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, स्पेशली दोस्तों पिक्सेल फोल्ड। मई 10th को गूगल का आयो हो रहा है जहां पे पिक्सेल फोल्ड लॉन्च होने वाला है। तो यूएस में तो लॉन्च होगा, बट दोस्तों शायद आई एम नॉट 100% श्योर 7A आ जाएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि पिक्सेल फोल्ड आने वाला है इंडिया में इमीडिएटली इन मई, बट हमें देखने को तो मिलेगा यूएस में ये लॉन्च हो जाएगा। 5.8 इंच का कवर डिस्प्ले है, 7.69 इंच का अंदर का जो मेन डिस्प्ले है, एंड टेंसर G2 चिपसेट पे आने वाला है। ये सब जो फोन है, मैं सबसे पहले जो फ्लैगशिप लेवल के 50,000 के ऊपर के उनके बारे में बात कर रहा हूँ, और उसमें दोस्तों एक सीरीज आने वाली है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, अब वियतनाम उसी के लिए वो गया हुआ था। Vivo X90 सीरीज 26 अप्रैल को ही लॉन्च होने, मई नहीं है, एंड ऑफ मंथ है, बट हमारा ये वीडियो जाने के बाद में, और इसीलिए कह रहा हूँ Vivo X90, जिसमें X90 Pro एंड X90 दोनों भी होने वाले हैं। 1 इंच का ज़ाइस का सेंसर है, और क्या फोटोज है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उस वीडियो के लिए। दो वीडियोस आ रहे हैं, एक तो कैमरा का रिव्यू आ रहा है एंड अनबॉक्सिंग आ रहा है, एंड आई एम टेलिंग यू कंप्लीटली अलग एंड इंप्रेसिव, एटलीस्ट हमारे हिसाब से हमने किया हुआ है, सो वेट फॉर दैट। मोटो एच 40 सीरीज भी आ रही है, yes, मोटो एच 40 सीरीज कंफर्मड है दोस्तों, ये मिड मे में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, एंड इंडिया में अब अराउंड सेकंड या थर्ड वीक ऑफ मे में आ जाएगी। 144Hz OLED डिस्प्ले, डायमेंसिटी 8020 इस प्रोसेसर पे होने वाला है, सो मिड रेंज अराउंड 50,000 की प्राइस रेंज में, उसमें मोटो एच 40 एंड मोटो एच 40 प्रो दोनों भी आने वाले हैं। मोटो की तरफ से ही दोस्तों एक फोन जिसके बारे में हमने पिछले 1.5 साल से सुना नहीं है, मोटो रेजर प्लस, या फिर मोटो रेजर उनका जो फोल्डेबल फोन होता है, तो ये आने के चांसेस है। आई एम नॉट 100% श्योर मोटो एच 40 सीरीज आ जाएगी, बट रेजर सीरीज जो है शायद जून में चली जाए, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट मच, बट इट हैज टू कम यार, सीरियसली आना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 30,000 से 40,000 के बीच में जो फोन है उनके बारे में बात करते हैं। ओप्पो रेनो 10 सीरीज जो है, नॉट अगेन, ये मे एंड या जून, इट मे स्पिल ओवर टू जून मेरे हिसाब से, तो ओप्पो रेनो 10 सीरीज आने के सिर्फ चांसेस है, इतने ही कहूंगा। 128 OLED स्क्रीन, 8+ Gen 1 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप वगैरह, बट अगेन आई थिंक इट विल बी जून। बट व्हाट आई एम श्योर ऑफ इज Realme GT3, ये जो सीरीज है दोस्तों ये मे एंड तक डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगी। इनफैक्ट हमें टीजर्स वगैरह मिड में से देखने चालू हो जाएंगे। ये 7+ Gen 2 पे होने वाला है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 240W चार्जिंग होने वाला है। एक फोन मुझे लगता है कि मे में डेफिनेटली आएगा, और वो है पिक्सेल 7A, क्योंकि पिक्सेल 6A इतना पॉपुलर हो गया था, इतने सारे सीरीज अभी भी लोग खरीद रहे हैं पिक्सेल 6A को, सो गूगल विल डेफिनेटली लॉन्च पिक्सेल 7A बाय ये 10th मई को। तो जैसे मैंने बताया 10th मई को गूगल आयो में यूएस में लॉन्च हो जाएगा, एंड बाय एंड ऑफ मई इट विल लॉन्च इन इंडिया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दीस टू, एक तो पिक्सेल 7A एंड वीवो X90 सीरीज। चलिए अब बात करते हैं अंडर 30,000, जी हां 20,000 to 30,000 इस प्राइस रेंज में। इसमें दो तीन कंफर्म फोन्स लॉन्च होने वाले, सबसे पहला जो है वो है पोको F5, ये अराउंड मिड मई में लॉन्च होने वाला है पोको F5 सीरीज, और इसका हमने Redmi Note 12 Turbo का वीडियो ऑलरेडी किया है, वही Poco F5 के नाम से आने वाला है, go and check it out, I was impressed with that phone, 6.67 inch की FHD+ screen, 120Hz, 12-bit display है, and ये 7+ Gen 2, ये इंडिया में जब लॉन्च हो जाएगा पहला फोन होगा जो 7+ Gen 2 पे होगा, और याद रखिए ये जो प्रोसेसर है दोस्तों 1 मिलियन तक इसका अंतुस स्कोर आता है, इवन दो इट इज 7 सीरीज, सो एक्सिलेंट। LPDDR5 RAM टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, ओवरऑल एक्सिलेंट, मिड में ये लॉन्च होगा। और दो फोन है वो है Samsung Galaxy M54 एंड F54, ये गूगल प्ले स्टोर लिस्टिंग पे ऑलरेडी आ गए, तो लॉन्च इज इमिनेंट, मिड में मिड टू एंड में तक ये लॉन्च हो जाएगा, सेकंड हाफ ऑफ मे में। 6.7 इंच की FHD+ 120Hz AMOLED स्क्रीन है, Exynos 1380 प्रोसेसर पे आता है, 6000mAh की बैटरी है, एंड फाइनली Vivo V27e, ऑलरेडी Vivo V27 एंड Vivo V27 Pro हमने देख लिया, अब जो बेस वेरियंट होगा वो Vivo V27e इंडिया में आने वाला है, बेस वेरियंट है लेकिन फिर भी 120Hz AMOLED स्क्रीन है, एंड Helio G99 प्रोसेसर पे होने वाला है। यस, इट इज गोइंग टू बी अ 4G फोन, और इसकी प्राइस अराउंड 20,000 होगी, आई एम नॉट श्योर, बट देखते हैं क्योंकि 120Hz AMOLED है, लेट्स सी। और एक फोन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मई में, OnePlus Nord 3, व्हिच आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, शायद स्पिल ओवर हो जाएगा इन जून, तो मई में शायद चांसेस बहुत कम है लॉन्च होने के। अब बात करते हैं बजट फोन्स की, अंडर 20,000, Realme 11 सीरीज, जी हां MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर है, Realme 11, 11 Pro एंड 11 Pro Plus ये आने वाला है, जो बेस वेरिएंट होगा शायद 20,000 के नीचे होगा, Pro Plus जो होगा वो अराउंड क्लोजर टू 25,000 होने वाला है, बट 100W चार्जिंग आने वाले इस टाइम Realme 11 सीरीज में, ये कहा जा रहा है। 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी है प्रो प्लस में, बट 200 मेगापिक्सल का कैमरा विद OIS, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट 200 मेगापिक्सल कैमरा ऑन Realme प्रो प्लस।
फाइनली दोस्तों, जी हाँ, लावा अग्नि 2 5G एंड लावा ब्लेज 1X 5G, ये दो फोन भी लावा की तरफ से आने वाले हैं अराउंड मिड मे में। ज्यादा उनके बारे में पता नहीं है, बट ये डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर पे होने वाले, बट लुकिंग गुड क्योंकि अच्छे प्राइस पे आने वाले हैं। दैट इज व्हाट इज मंथ ऑफ मे। जी हाँ, आ रहे हैं दो तीन, जैसे मैंने कहा, एक तो पिक्सेल सीरीज की तरफ में आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और अभी जो लॉन्च हो रहा है दोस्तों वीवो X90 सीरीज एंड देन रियलमी 11 सीरीज, ये बड़ी सीरीज होती है, नंबर सीरीज उनकी, जो मे में आने वाली है। सो लॉट्स ऑफ फोन एंड यस पिक्सेल 7a, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। आप कौन से फोन के लिए रुके हुए जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे दोस्तों प्रोडक्ट्स टैग किए हुए व्यू प्रोडक्ट्स में, जरूर जाके देखिएगा, सम इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है। अगर कुछ भी और होगा, कुछ फीडबैक होगा और कुछ चेंज लाना चाहिए हमने हमारे अपकमिंग स्मार्टफोन्स के वीडियो में, तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।